डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन की बात करूं तो मैस्कुलाइन ने जाने अनजाने हमारी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ और पेन दे दिए हैं। फेमिनिन को दुख तकलीफ देकर हमारे मैस्कुलाइन ने मुगुन तो कर गए, बट फेमिनिन को वहीं स्ट्रक कर दिया, जिस कारण हमारी फेमिनिन काफ़ी स्ट्रेस को फील करती हैं। अच्छी एनर्जी में हमारी फेमिनिन खुद को फील नहीं कर रही हैं, जिस कारण कुछ फेमिनिन काफ़ी लो खुद को पा रही हैं और बहुत सी फेमिनिन हेल्थ इशू से भी गुजर रही हैं। कुछ फेमिनिन को एंजाइटी, हेडेक या बीपी आदि की बहुत सी प्रॉब्लम से वह गुजर रही हैं और उनके माइंड में बस यही चल रहा है कि मैस्कुलाइन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, उन्हें एक पेनफुल सिचुएशन में डालकर अपनी वर्क, कैरियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि पर उनका फोकस बना हुआ है। इस तरह से हमारे मैस्कुलाइन ने फेमिनिन के ट्रस्ट को चूर चूर कर दिया है। मैस्कुलाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं बट फेमिनिन वहीं पास्ट में अटकी है, पास से बाहर नहीं आ पा रही हैं। कोशिश करती हैं आगे बढ़ने की बट पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही हैं, वेट करती जा रही हैं मैस्कुलाइन फिर से उन्हें थामे, उनको वहीं लेविंग, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग करें जैसे वह क्या करते थे। एफर्ट्स लगाती हैं, मैस्कुलाइन को समझाती हैं बट उसका 0% रिजल्ट ही उन्हें देखने को मिल रहा है, जिससे वो खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ पा रही हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, करे तो क्या करे, खुद कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है और अब खुद को खुश रखने की बहुत कोशिश करती हैं बट नहीं हो पा रहा, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है। भीड़ में होकर भी खुद को अकेला पा रही हैं, जैसे वो एक लूप में फंस गई हैं और बाहर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन ने कभी उन्हें ना तो एश्योरेंस ही दिया ना ही कोई कमिटमेंट। फिर वो किस होप के साथ मैस्कुलाइन की तरफ पड़े, ब्लेम गेम यहाँ चल रहा है बहुत सी सोल्स के साथ। यहाँ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनिन को नो कॉन्टैक्ट भी दिया तो उनका ब्लेम भी वो फेमिनिन को ही दे रहे हैं कि उनके कारण ही ऐसा हो रहा है, चाहे रीजन कुछ भी हो, और जो रीज़न उन्होंने दिए वो भी बेबुनियाद थे। जहाँ बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट होकर रोमांटिक पर्सन के लिए या अपने वर्क, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के कारण या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फेमिनिन से दूर हुए, मैस्कुलाइन के ऐसे बिहेव से बहुत सी फेमिनिन सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ गई हैं। उन्हें लग रहा है शायद मुझ में ही कोई कमी है, जिस कारण मैस्कुलाइन ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया है। यह मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक, 3D से कनेक्टेड सोशल पर्सन है, जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, दूसरे पर ही ब्लेम डालते हैं। हालांकि यहाँ 24/7 आवर्स अपनी फेमिनिन के बारे में ही यह सोचते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में फेमिनिन ही छाई रहती है, हर पल अपनी फेमिनिन के बारे में ही सोचते हैं, बट इनकी ईगो इन्हें फेमिनिन की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये सेल्फिश भी हो सकते हैं, जबकि फेमिनिन ने उन्हें इन सब के बावजूद प्योर लव दिया है, अनकंडीशनल लव किया है, बट मैस्कुलाइन ने उन्हें कभी भी एश्योरेंस नहीं दी। फेमिनिन ने उन्हें कमिटमेंट चाहा, कुछ प्रोमिसेस चाहे, बट उनसे भी हमारे मैस्कुलाइन भागे हैं। इवन जब भी फेमिनिन ने इन सब के बारे में उनसे बात करनी चाही, तब उन्होंने बस उन्हें टाला है और कुछ नहीं दिया। फेमिनिन ने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है और बदले में बस वही लव उनसे चाहा है, और यही चाहत है कि मैस्कुलाइन उन्हें वो प्रायोरिटी दें, प्यार दें, सपोर्ट दें, लॉयल रहें, उन्हीं के बनके रहें, उन्हीं को टाइम दें। बट यहाँ कुछ मैस्कुलाइन फेमिनिन के होते हुए भी लॉयल या ऑनेस्ट नहीं रहे, फेमिनिन के होते भी वह थर्ड पर्सन की तरफ देखते रहे, या यह रिश्ता ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। यह साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कभी मैस्कुलाइन इतना ज़्यादा प्यार शो करते हैं तो कभी अजनबियों जैसा बिहेव दिखाते हैं। अब फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनका
टच को मिस कर रहे हैं, उनका ब्यूटीफुल फेस को मिस कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले उनका यह अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अब अट्रैक्शन फिर से वापस वह फील कर रहे हैं। मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के दिल और दिमाग में छाई हैं और इस रिलेशनशिप में जो भी इशू चल रहे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वह ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या फ्यूचर तक इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं। फेमिनिन जो इस रिश्ते में चाहती है वो ही नहीं पा रही, जिस कारण भी वह परेशान है, पेन में है। जो वो मैस्कुलाइन से चाहती है वो नहीं मिल पा रहा है। फेमिनिन यही चाहती है कि मैस्कुलाइन या तो उनके पूरी तरह से बनकर रहें या फिर जहां वो हैं वहीं आगे बढ़ जाएं। हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट चलते, फिर से मैस्कुलाइन फेमिनिन को यहाँ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ फेमिनिन शॉक्ड है कि यह पर्सन उनके बिना कैसे रह रहे हैं। इस कनेक्शन में जो भी इशू या प्रॉब्लम्स चलती जा रही है उसका जल्द ही एंड होगा और रिवर्थ की ओर यह रिश्ता जाएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतियां इस रिश्ते में हुई हैं वो रिसॉल्व होंगी, क्लैरिटी आएगी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी और जो कमिटमेंट या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सो अब हमारे मैस्कुलाइन रिटर्न बैक आ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास उन्हें होगा और एक विक्टिम एनर्जी में फेमिनिन की तरफ बढ़ेंगे, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। उन्हें एहसास होगा कि उनके कारण यह खूबसूरत रिश्ता खराब हो गया है, अपनी फेमिनिन के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं, इंटीमेसी चाहते हैं और अपनी फेमिनिन को छूना चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन उन्हें फील हो रहा है। कुछ मैस्कुलाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा अलोननेस को फील कर रहे हैं। बहुत सोल्स का इस टाइम कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, जिस कारण भी इस रिलेशनशिप में मैस्कुलाइन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में फेमिनिन को डालते हैं कि यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन की कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है। अब इस रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से एक जस्टिस यहाँ आएगा, इस रिश्ते में या तो क्लियरेंस मिलेगी मैस्कुलाइन की तरफ से या फेमिनिन उनसे आगे बढ़ेगी या फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुद को बिजी कर लेंगे। बहुत सी फेमिनिन ने मैस्कुलाइन को समझा दिया है कि अगर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी तो वो अपनी थर्ड पार्टी में आगे बढ़ जाएंगे या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क आदि पर फोकस बनाएंगे। वहीं मैस्कुलाइन अपनी अभी तक जो एक फ्लर्ट या टाइम पास या लस्ट की एनर्जी में थे, आप फेमिनिन को लेकर वह सपने सजा रहे हैं और उनके साथ मैरिज देख रहे हैं, अब वह इस रिश्ते में सीरियस हो रहे हैं। बहुत जल्द उन्हें क्लैरिटी मिलेगी फ्यूचर को लेकर, बहुत जल्द उन्हें एहसास होगा कि फेमिनिन का दिल दुखाकर, उन्हें तकलीफ देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन फ्यूचर वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट करते नजर आएंगे, जो भी इशू इस रिश्ते में चल रहे हैं वह ख़त्म करेंगे और जो थर्ड पार्टी में यह गए वो गलत किया उसका एहसास उन्हें होगा। वो फील करेंगे कि फेमिनिन की जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, फेमिनिन से दूर जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट उन्हें हो रहा है। फेमिनिन को लग रहा है कि वह उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, उन्हें नो कॉन्टैक्ट देकर वह हैप्पी हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत दुखी हैं, रिग्रेट में हैं और अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जल्द ही वह फेमिनिन को मना लेंगे। वो जानते हैं कि फेमिनिन गुस्सा क्यों है। बहुत से मैस्कुलाइन और फेमिनिन के बीच लास्ट 5 to 6 मंथ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या फिर लेस कम्युनिकेशंस में हैं, काफ़ी झगड़ा आर्ग्यूमेंट यहाँ हुए हैं। मैस्कुलाइन भी इस वजह से परेशान है क्योंकि वह इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बट सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, यही डायरेक्शन सही डायरेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रही है या वर्क कैरियर आदि में बहुत से प्रॉब्लम से वह गुजर रहे हैं, बर्डन में हैं और पैसे पर वर्क करते जा रहे हैं, कहीं फाइनेंस में फंसे हैं जिससे यह खुद को बिजी रख रहे हैं। और फेमिनिन के साथ भी कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, फेमिनिन को वह सॉरी तक नहीं बोल पा रहे हैं। सो
दोनों के बीच की दूरियों को वह ख़त्म करना चाहते हैं और जिस भी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं उनसे भी बाहर आना चाहते हैं। सो कम्युनिकेशन अपनी फेमिनिन से करना चाहते हैं। कुछ सोल्स का हुआ भी होगा, यहाँ कुछ सोल्स का रीयूनियन भी पॉसिबल है या फिर कुछ सोल्स का हुआ होगा। सो इस रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया है उसे फिर से वह ठीक करना चाहते हैं और डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं, इसको रिश्ते को या फेमिनिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही है और ना ही उसे वह ठीक कर पा रहे हैं, जिस कारण एक घुटन सी भी फील कर रहे हैं। तो दोस्तों इस रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, एक साइकिल बार बार घूम रहा है। इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो फेमिनिन को बता नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें फेमिनिन से छुपा रहे हैं, हाइड रखे हैं। अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ भी घुट रहे हैं, फेमिनिन को बहुत मिस कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, पूरी नहीं हो पा रही है तो उसमें वह घुटन को फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कब इस रिश्ते में यूनियन होगा, किसी सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं और उससे निकलना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में बार बार कुछ ठीक होता है फिर लड़ाई झगड़ा होता है या फिर फैमिली इशू के चलते भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और नो कॉन्टैक्ट में यह रिश्ता चला जाता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है। यहाँ कर्मा रिलीजिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है या फिर ब्लॉकेज है या फिर थर्ड पार्टी में गए फैमिली की मानी मैस्कुलाइन ने और फेमिनिन से दूरी बनाई, अपना देख रहे थे, अपने बारे में ही सोच रहे थे, उनकी ओर से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी। सो अब जब सब चीज़ें बिगड़ गई हैं तो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इनका ईगो ख़त्म हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में खुशियां ही ख़त्म हो गई हैं, जब से फेमिनिन उनकी लाइफ में नहीं है एक सैडनेस और उदासी से वह घिर गए हैं, सबके बीच होकर भी अलोन फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें देखने वाला, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। वो अब बस यही चाह रहे हैं कि उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, सब ठीक हो जाए। फेमिनिन उनके दिल और दिमाग में छाई हुई है, बहुत ज़्यादा उनकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। एक चेंज उनमें आया है, एक टाइम उन्होंने फेमिनिन के लिए कोई थॉट्स ही उनमें नहीं थे, उन्होंने उन्हें जैसे ख़त्म ही कर दिया था, फेमिनिन के बारे में सोचना बंद कर दिया था, ज़्यादा अपने पैसे, जॉब, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस आदि के बारे में सोच रहे थे, फाइनेंसेस के बारे में भी सोचते रहे थे। अब फोकस वह अपनी फेमिनिन की तरफ उनका बढ़ रहा है, उन्हें वह स्पाइक कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन उन्हें लग रहा है कि अब फेमिनिन वापस से उनकी लाइफ में नहीं आएगी। जब से फेमिनिन मैस्कुलाइन से दूर गई हैं, बहुत सारी नाराज़गी उनमें मैस्कुलाइन को लेकर है, बहुत ज़्यादा रूड और प्रैक्टिकल हमारी फेमिनिन हो चुकी है, इमोशंस लव को उन्होंने दबा लिया है, इमोशंस लेस हो गई हैं। उन्हें ऐसी एनर्जी में देखकर मैस्कुलाइन को अब उनसे जैसे डर लग रहा है, वो ओपनली उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें फेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दूर से ही देखकर घबरा रहे हैं कि मैंने अप्रोच किया तो वो सुनना नहीं चाहेगी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, बात करने की इच्छा होने पर भी उन्हें बात नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे क्या बात करें कि फेमिनिन को मना लें, फिर से उन्हें जीत लें और अपनी लाइफ में वापस ले आएं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले मेरी सिचुएशन को। बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनिन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ लॉन्ग लाइफ तक बनी रहें और अपने प्यार का सेक्रीफाइड भी कर दे टाइम आने पर। कुछ मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनिन की लाइफ में कोई और आ गया है, कुछ उनसे लड़ना भी चाहते हैं कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। इस टाइम हमारे बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूज़न और बर्डन से वह गुजर रहे हैं, फेमिनिन की वजह से बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, बहुत ज़्यादा उन्हें फेमिनिन के प्यार की वैल्यू अब नज़र आ रही है। फेमिनिन मैस्कुलाइन से एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनसे उन्होंने कुछ नहीं किया, बट अब वह कर सकते हैं।
जो फैमिली इशू आदि थे वो भी रिसोल्व होंगे। फेमिनिन के साथ वह मैस्कुलाइन डेट करना चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन को मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे, फैमिली से मिला सकते हैं और जो फेमिनिन को बहुत सारी खुशियाँ देंगे। तो एक मैच्योरिटी उनमें आ रही है, एक चेंज उनमें आ रहा है। बहुत जल्द ही वह उन्हें क्लैरिटी देंगे फ्यूचर को लेकर। बहुत जल्द उन्हें एहसास होगा कि फेमिनिन का दिल दुखाकर तकलीफ़ देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में वह एफर्ट लगाते नजर आएंगे और बहुत से मैस्कुलाइन लगा भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो इसे क्लेम जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं और रीयूनियन क्लेम ज़रूर करें।